गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू ईवीएस क्लास। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है जो कि है चैप्टर फाइव हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज हमें करनी है। हमने इसके पार्ट्स तो पढ़ लिए हैं ना। फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, और क्या पढ़ा है? अबाउट लीव के बारे में क्या क्या पढ़ा है? फोटोसिंथेसिस, और क्या पढ़ा है बेटा? क्लोरोफिल, और नए नए वर्ड्स और कौन से पता चले हमें? और डिस्पोजेबल प्लेट्स, ये सब क्या होता है? और कंपोस्ट। तो ऐसे फ्यू वर्ड्स हैं जो हमने इस चैप्टर में जाना है कि ये हमारे लिए नया था, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज में क्या करना है हमें? टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक आउट पेज नंबर 35 फर्स्ट। इस पेज नंबर 35 टिक द करेक्ट ऑप्शन। द स्टाक ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड स्टाक, जो कि बेटा स्टेम और लीव को ऐसे जोड़ती है ना, ये लकड़ी, ये डंडी, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज पेटियोल। तो यहाँ पे टिक करोगे आप पेटियोल। ओके, लीव्स ऑफ डैश प्लांट आर बिग, कौन सी बिग होती है? बनाना, टैमरिंड या मोरिंगा, कौन सी होती है? बनाना की लीव्स होती है ना बड़ी बड़ी, यस। एंड लीव्स आर कॉल्ड डैश ऑफ प्लांट्स, लीव्स को क्या बोलते हैं? बेडरूम, किचन, बाथरूम, क्या बोलते हैं? प्लांट्स का क्या है? प्लांट्स का किचन है। लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट्स, क्यों? क्योंकि वो उसके लिए, लीव्स क्या करती है? फूड फॉर्मेशन करती है ना, फूड बनाती है, खाना बनाती है उसके लिए, इसलिए उसको लीव्स को क्या बोलते हैं? ये किचन है, किसका है? प्लांट का। ओके, नाउ कम टू द बी, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिख रहा है हमें? फर्स्ट वन इज कोरिएंडर, धनिया, बेवरेज यानी कि लिक्विड जो होता है, लिक्विड बेवरेज, कंपाउंड, कंपोस्ट, विंटर्स। अब आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अ लीफ दैट हैज़ टू और मोर ब्लेड्स इज कॉल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें पत्तियाँ होती हैं, दो या दो से ज़्यादा ब्लेड्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कौन सी लीफ होती है बेटा? वो होगी कंपाउंड लीफ। कौन सी होगी लीफ? कंपाउंड लीफ। ओके, एंड फर्टिलाइजर मेड फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड, वो फर्टिलाइजर यानी कि खाद जो कि पत्तियों से बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? कंपोस्ट, उसको हम बोलेंगे बेटा क्या? कंपोस्ट। ओके, एंड थर्ड वन इज लीव्स आर यूज्ड टू मेक डैश लाइक टी। अब लीव्स का यूज़ कहाँ करते हैं हम, किस में करते हैं? और टी क्या है? टी लिक्विड है ना, तो लीव्स आर यूज्ड टू मेक बेवरेज लाइक टी। बेवरेज मीन्स पीने का। अच्छा, चाय हम खाते हैं कि पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं या खाते हैं? लिक्विड है ये दोनों, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? बेवरेज, यानी कि पीने वाली चीज, वस्तुएं जो होती है ना, बेवरेज लिक्विड। तो लीव्स आर यूज्ड टू मेक बेवरेज लाइक टी डैश। लीव्स आर यूज्ड एज हर्ब्स, अच्छा, हर्ब्स एंड शर्ब्स। हर्ब्स मीन्स जो इजीली आसानी से टूट जाता है, हर्ब्स बहुत सॉफ्ट होती है ना इसकी स्टेम। हर्ब्स मीन्स ग्रास भी आ जाएगा इसमें, मिंट आ जाएगा, कोरिएंडर आ जाएगा। और श्रब्स में क्या होगा बेटा? श्रब्स तो हार्ड होती है ना उसकी स्टेम, तो श्रब्स में क्या आ जाएगा? श्रब्स में आएगा रोज। ओके, ये श्रब्स हो गया। तो यहाँ पे हर्ब्स क्या दिख रहा है हमें? हर्ब्स में क्या दिख रहा है? कोरिएंडर। तो कोरिएंडर जो है वो क्या है? कोरिएंडर लीव्स आर यूज्ड एज हर्ब्स। ओके, नाउ टर्न योर पेज। द सनलाइट इज लेस इन ऑटम एंड डैश, सनलाइट कम कब होती है? सनलाइट इज लेस इन ऑटम एंड विंटर्स। अभी धूप में बैठना अच्छा लगता है सुबह सुबह धूप में? अच्छा, धूप से क्या मिलता है हमें? विटामिन डी। सुबह सुबह हम विटामिन डी लेते हैं ना धूप में, तो ठंड में यानी कि विंटर के सीजन में हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। तो अभी कौन सा सीजन है बेटा? अभी है विंटर, और विंटर में सुबह सुबह धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइम पे क्या होता है? सनलाइट कम होती है ना। अभी गर्मियों में तो हम बोलते हैं ना, बहुत तेज़ धूप हो रही है बाहर, हमें नहीं जाना है, ऐसा स्टेटमेंट हम देते हैं ना, बोलते हैं ऐसा। तो अभी विंटर्स में थोड़ी धूप कम होती है, और जितनी भी होती है धूप हमको अच्छी लगती है। सो द सनलाइट इज लेस इन ऑटम एंड विंटर्स। ओके, अभी क्वेश्चन आंसर हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। What is midrib? Define photosynthesis. ये words आपको भूलना नहीं है। Chlorophyll. Okay. ये पूरा chapter आपको read करना है, अच्छे से reading करना है, और अब question answer हम next video में देखते हैं। Okay. Till bye bye and take care.